बहुत जगह तो ज्योतिष का नाम सुनते ही ये तो एक दोसला है या कुछ और है, तो उस प्रकार से अभी भी इस प्रकार का एक संदेह रहता है। और कारण क्या है? कारण सिर्फ एक एजुकेशन है। लोग समझते हैं कि ये सिर्फ एक हमारी मान्यताएं हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम इसको साइंस के पर्दे पर स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ये देखें कि ग्रहों का कितना असर होता है, तो मालूम पड़ेगा कि वाकई में ग्रहों का 75% 80% असर पड़ता है। क्योंकि ग्रह क्या है? ग्रहों के द्वारा ही सारे विश्व का जो एनवायरनमेंट है, वेदर है, वो सारा बनता है, बिगड़ता है। जो अर्थक्वेक्स आते हैं, जो समुद्र में ज्वार भाटाएं आती हैं, ये भी सब ग्रहों के द्वारा ही है। और क्यों कभी ज्वार भाटा तेज आती है, कभी कम आती है, कभी ज्यादा आती है? केवल वैसे तो एक चंद्रमा के अनुसार, जब भी चंद्रमा हमारे ज्योतिष के अनुसार दशम भाव में, चौथे भाव में आता है, तो ज्वार भाटा आती है। और अगर उसके साथ में सूर्य भी आ जाए, यानी कि अमावस्या या पूर्णिमा का दिन हो, तो उसमें और ज्यादा तीव्रता आ जाती है। और उसके साथ बाकी अन्य ग्रह भी साथ आ जाए, जैसे कि आजकल की स्थिति चल रही है कि 6-6 ग्रह इकट्ठे चल रहे हैं, 6 ग्रह एक 90 डिग्री के कोण से। तो इस प्रकार की जब स्थिति आ जाती है, तो ज्वार भाटाएं और ज्यादा तेज हो जाती है। तो और उस समय अर्थक्वेक्स ज्यादा आने की आशंकाएं बढ़ जाती है, जैसा कि आज का समय चल रहा है। आपको मालूम होगा कि बहुत सारा समय, कई कई साल निकल जाते हैं, बीच में कुछ बहुत बड़े भूकंप नहीं आते हैं, लेकिन फिर आते हैं तो एकदम आते ही जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये भी ज्योतिष में तो हम एक कुंडली पर बहुत आराम से देख सकते हैं, क्योंकि सारे जब ग्रह इकट्ठे आ जाते हैं, एक तरफ आ जाते हैं, तो ऐसा होता है। और उस समय वार की स्थिति अभी ज्यादा बनती है। 1962 में जब चाइना से वार हुई थी, तो 8 ग्रह इकट्ठे थे। आपको मालूम होगा फरवरी 1962 में 8 ग्रह इकट्ठे थे, और उसके बाद ही चाइना से वार हुआ। इस बार भी 6-7 ग्रह इकट्ठे हैं, और इसके बाद वार होने के चांसेस भी उतने ही तेज दिखाई दे रहे हैं, चाहे अभी वार नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद होती है। वार का जो समय आता है, लगभग 5-6 महीने बाद आता है, जब इस तरह की स्थिति, ग्रह स्थिति बनती है। तो हमें भी ऐसा लगता है कि जैसे जिस प्रकार से ग्रह आज की डेट में इकट्ठे हो रखे हैं, तो 4-5 महीने में अप्रैल मई में ये वार की स्थिति बनेगी। और इस समय जो है, जब ये इकट्ठे होते हैं, उसके बाद तुरंत बाद ये अर्थक्वेक आते हैं, यानी कि जैसा कि अभी हमें, और ज्यादातर अर्थक्वेक प्रतिपदा के दिन आते हैं। अब ये छोटी छोटी बातें नहीं है, कहने को छोटी बातें हैं कि ऐसा होता होगा, हो गया होगा, अचानक हो गया होगा, लेकिन जब हम स्टैटिस्टिकली देखते हैं, तो 80% तक हमें घटनाएं इसी प्रकार से मिलती, तो हम उसको नकार नहीं सकते हैं। इसका डायरेक्ट अगर मतलब कोरिलेशन देखा जाए, तो कोरिलेशन जो फैक्टर आता है, वो 0.1% की रेंज में आता है, 99.9% हम इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, इफेक्ट्स के ऊपर। तो इसीलिए मतलब केवल मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्योतिष को जानने की और ज्ञान इस पर ज्यादा गहराई से सोचने की आवश्यकता है। थोड़े दिनों बाद फिर ऐसे ही ना हो जाए कि वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, वो इसको कहने लगे कि ये तो हमारी साइंस है, हमने इसको बताया है, सब पूरे विश्व को बताया है, और फिर यहाँ पर उसका उसको कॉपीराइट करना एक आफत बन जाए। तो अभी भारत की ओर पूरे सभी विश्व देखता है ज्योतिष ज्ञान के लिए। और अभी मैंने बहुत ही रिसेंटली अभी जाना कि बहुत सारी ऐसी पद्धतियां हैं जो कि भारत के पास है, और बाकी विदेशी लोग उसको आके देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर वहां जाकर अपनी कंट्रीज में करते हैं। अभी एक पद्धति है, जैसे बिल्कुल मर्म पद्धति है, मर्म चिकित्सा पद्धति है, ज्योतिष जो कि बिल्कुल एक्यूप्रेशर की तरह से है, और जिसमें कि पॉइंट्स को दबाया जाता है, और पॉइंट्स को दबाने से उससे चिकित्सा हो जाती है, और उससे इतनी फास्ट होती है, अगर वो जो मर्म बिंदु है उनको सही से ज्ञान कर लिया जाए, तो आपकी डायबिटीज दूर हो सकती है, आपको लकवा है तो वो दूर हो सकता है, और सिर्फ पॉइंट्स दबाने से, जो कि एक ऐसे रोग है जिनका कि कोई इलाज नहीं है, ब्लड प्रेशर है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, और विद इन फ्यू मिनट्स
इस प्रकार के, और इसके लिए कोई हम नहीं कह रहे हैं, इसको जो मंत्र पद्धति को पढ़ा रहे हैं एक डॉक्टर है, सर्जन है, एमडी सर्जन है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो पढ़ा रहे हैं हरिद्वार में। तो इस प्रकार का ज्ञान हमारे पुस्तकों में छुपा हुआ है, इसी प्रकार से ज्योतिष में जो ज्ञान है उसको ज्ञान की जो सीमा है शायद अपरंपार है। ऐसी कोई पद्धति नहीं है जो कि आपको जन्म होते ही बता दे कि आपका आपको इस एज पर ये रोग हो सकता है, आप इस प्रकार से इस एज पर आप या इस एजुकेशन में जाएंगे, इस लाइन में जाएंगे, इस प्रकार का बिजनेस करेंगे, इस प्रकार की ये प्रोफेशन होगा, उतार चढ़ाव लाइफ में इस समय होंगे, और समय ज्यादा नहीं लगता। ज्योतिष में सबसे बड़ी बात यह है कि सिंप्लिसिटी बहुत है, 5 मिनट में आप पत्री देख के बहुत सारी बातें बता सकते हैं। तो ऐसा जरूर लगता है कि इसको कैसे मालूम पड़ गया, या ये कौन सा जादू है, ये या ये हमें ऐसे तीर तुक्के मार रहे हैं। तो ऐसा क्योंकि इसमें इतनी सिंप्लिसिटी है और इतना इसमें ज्ञान छुपा पड़ा है, तो ऐसा लगता है कि ये सब सही नहीं है, ये साइंटिफिक नहीं है। जबकि अगर हम उसी को स्टैटिस्टिकली द्वारा प्रूव करना चाहें और देखना चाहें और चेक करना चाहें तो देख सकते हैं। अपने तमीजा जी बहुत तेजी से लगे हुए हैं इसको पढ़ाने में, इसको इसकी एजुकेशन को सब लोगों में बांटने में और ज्ञान को सभी को इस ज्ञान में एक बद करने में उम्मीद, और साथ में रिसर्चेस भी बहुत अच्छी करवा रहे हैं, और उम्मीद है इस प्रकार से सभी संस्थाएं मिलकर जुड़कर काम करेंगी तो डेफिनेटली ये इस प्रकार का जो एक अविश्वास है ज्योतिष के प्रति वो कम होगा, दूर होगा। और भारत सरकार भी जल्दी ही हम चाहते हैं कि एक कम से कम एक विंग होना चाहिए भारत सरकार में, जैसे आयुर्वेद का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद है, तो इस प्रकार का एक डिपार्टमेंट सभी विश्वविद्यालयों में तो इसे पढ़ाया जाना चाहिए, हमारा एक मानना है। क्योंकि ये साइंस है, ये कोई आर्ट सब्जेक्ट नहीं है, इसे एमए बीए में नहीं पढ़ाना चाहिए या आचार्य करके नहीं पढ़ाना चाहिए, संस्कृत के साथ इसे नहीं जोड़ना चाहिए। ज्योतिष संस्कृत नहीं है, केवल एक संस्कृत एक ज्ञान है पढ़ने का, एक लैंग्वेज है, लेकिन इसमें इसे एक साइंस के रूप में इसके लिए हमने प्रपोज किया है कि बीटेक इन कंप्यूटर एस्ट्रो कंप्यूटर साइंसेज इस प्रकार के कोर्सेज होने चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर भी आवश्यक है इसमें, ज्योतिष भी आवश्यक है इसमें, एस्ट्रोनॉमी भी आवश्यक है, स्टैटिस्टिक्स आवश्यक है, साइकोलॉजी आवश्यक है। तो इस प्रकार की इतनी सारी चीजें हैं जो कि हमें पढ़नी पड़ेगी इसको, तो इस प्रकार के अगर कोर्सेज हों तो डेफिनेटली इसका भी उद्धार होगा, और इस एस्ट्रोलॉजी का उपयोग भी केवल देश में नहीं विदेश में भी करेगा। धन्यवाद।